नमस्कार मेरे मित्र जनों, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। चले उन्होंने टोक दिया तो अब इनसे मिल लीजिए। ये है मेरे प्रिय छोटे प्यारे मित्र सहपाठी जो भी ने आप मानिए शिवांशु। तो मित्र जनों, मेरी इस वीडियो में आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे मेहमान से जो हमारे घर पर पहली बार आए हैं और हमारे साथ ही रहेंगे वो। तो वीडियो को अंत तक देखिए जानने के लिए कि वो मेहमान कौन है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। आइए चलते हैं। चलिए मित्रों, हम चलते हैं अपने मेहमान के पास, आपको भी मिलाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है वो। आप तैयार हैं हमारे मेहमान से मिलने के लिए? तो लीजिए। ये नहीं, ये है हमारे नए मेहमान। इनका नाम है गुलाबो, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। गुलाबो जी हाय बोलिए मेरे मित्र जनों को। हाय। गुलाबो जी आपको हाय बोल रही हैं। प्यारे मित्र जनों, हम आपको बता दें कि हमारी नई मेहमान गुलाबो का नामकरण हमारी मम्मी ने किया था। तो आइए हम दिखाते हैं इनके आने से पहले हमने कितनी व्यवस्थाएं की इसके लिए। मेरे मित्र जनों, ये है हमारा घर और घर के पीछे हमने अपनी गुलाबों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनवाया है। तो ये इसका दरवाजा है, आइए चलते हैं। खुल जाओ सिम सिम। ये दरवाजा तो इस तरह खुलता है। अरे 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 सिम 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 भाग गया, राज खुल गया मेरा तो। तो मेरे मित्र जनों, ये एक दरवाज़ा है जो कि हमारे घर से अटैच है, यहाँ से आ और जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये इसका गर्मी वाला कमरा है जिसमें एक पंखा लगा हुआ है जिसको ये अपने आप कभी चला नहीं पाती, हमको ही चलाना पड़ता है। ये हमने इसके लिए सीढ़ियाँ बनवाई हैं जिस पर वो कभी चढ़ती नहीं। ये इसके लिए एक सेपरेट रूम है जो कि सर्दियों के लिए है, जब सर्दियाँ की जैसे सोया करिए कम्बल वम्बल ओढ़ के। ये कमरा इसके लिए काफ़ी खुला हुआ है, इको फ्रेंडली रूम है जिससे ऑक्सीजन इसको समय समय पर मिलती रहे। ये इसके लिए बाथरूम है जिसमें कभी कभी नहाती है, रोज़ तो नहीं नहाती। ये एक दरवाज़ा है जो कि बालकनी के लिए जाता है। ये इसका चारा पड़ा हुआ है और ये चारा कूटने की मशीन है जो कि हमको ही चलानी पड़ती है, ये काफ़ी आलसी है। ये हमने छोटी व्यवस्था की है, ये इसका भी कुछ मन करता है। हमने इसके लिए झूला भी टांगा था जिस पर कभी झूलती नहीं क्योंकि ये काफ़ी भारी भरकम है। मैंने इसको डाइटिंग की सलाह भी दी थी, गुलाबो कल से जिम जाया करना ठीक है। अरे और गुलाबो कैसी हो तुम? ये हमारा पीछे खेत है, घर के पीछे ही, काफ़ी मज़े ले रहे हो आप। ये हमारा छोटा सा बगीचा, हमारा एक अमरूद का पेड़ है, इधर छोटे छोटे पेड़ भी लगे हैं, गुलाब का पेड़ है जिस पर कभी गुलाब के फूल छोड़ते ही नहीं, काफ़ी आशिक लोग रहते हैं इधर, तो तोड़ के ले जाते हैं। देखिए नज़ारा कितना अच्छा है। तो मेरे प्यारे मित्र जनों, अगर आपको ये वीडियो देखते हैं मज़ा आया हो तो आप मज़े में रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप खुशियाँ फैला दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। बाय।